ईश्वर खंडरे थे आज केपीसीसी ऑफिस में थे, डीसीसी ऑफिस में थे, तो उनसे पूछा गया कि सर सीएम इब्राहिम साहब जाने की बार बार धमकी देते हैं, तो उनका कहना था कि उन्होंने कई मरतबा इस तरह का बोले, उन्होंने जाते नहीं करते नहीं, खाली उन्होंने डराते रहते धमका रहते, कई डेटा आए कई डेटा चले गए, बोल के ईश्वर खंडरे का कहना है। उनके पास डरा को फकीर के पास क्या लेने जाते, खुद फकीर आए उन्होंने मांगने निकले, उनको डराक मुझे क्या मिल रहा है। मैं है सो चीज़ दे रहा हूँ, मेरे घर को क्यों भेज रहे आदमियों को, कि आदमियों को बैठे ऊपर से की फोना करा रही है। तो सर आखिर सीएम इब्राहिम चाहते क्या है, ये बार बार तुम्हारी 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 इज्जत चाहता हूँ, तो इस कौम का विकार चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सो बार बार डेट दे रहेगा तो पीछे के दरवाजे से नाक बोलो नहीं जरा ठहरो हमें ठीक करते हैं, बार बार टाइम दे ले कर रहे हो, तकबर में मैं नहीं रहना ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम वार नहीं करे, हिजरत करे, रात को उठ को गए छप को गए क्या डर को गए, सुलह हुदैबिया कर ले क्या डर को करे, अरे हुजूर की ज़िंदगी हमारे सामने है उससे मैं अपना रहूँ। सर आपके सामने भी के हरिप्रसाद काउंसिल में आए, लीडर बनाए गए, आप नाराज हुए, आप सिर्फ हाथ मल के रह गए, कांग्रेस के हाईकमान ने उस पर कुछ हाथ मलते क्या, मैंने रहा बराबर इस मल रू मैं मलिया तो सुधर जाते, देखो 23-12 के बाद कैसा मल तू खाने का। सर सीएम इब्राहिम को नजरअंदाज करना ऐसा नहीं लगता कि सीएम इब्राहिम को मुसलमानों को कांग्रेस नजरअंदाज, सीएम इब्राहिम को नजरअंदाज नहीं कर रहे, बल्कि 1,36,00,000 मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रहे, तो इसलिए जो आज भी यहाँ गुलबर्गा में अब कैसे रीनूज बोलते छोड़ो न को रहो वहाँ से कहाँ तो भी जान दे बीवी बीवी कर को रहे तो बस से। सर जेडीएस से भी आपकी गुर्बत की बातें आती हैं, देखिए आप जेडीएस सुनिए, जेडीएस की मुलायम सिंह यादव की ममता बनर्जी की कांग्रेस की बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमें क्या चाह रहे, हम ना ये विखार और इज्जत का मकाम ये कौम के वास्ते, वो इंशाअल्लाह ये बार मिलता बोल के मुझे यकीन है। 2023 के इलेक्शन से पहले सीएम इब्राहिम कहाँ रहेंगे, ये क्या अभी से तय हुआ है, 2023 में ही डिसाइड किया जाएगा कि 2000 सीएम इब्राहिम उस वक्त असेंबली इलेक्शन के वक्त कहाँ रहेंगे, तुम्हारे सामने रहेंगे। सर प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा, वो बोल तो ना, तुम्हारे सामने रहेंगे प्लेटफॉर्म कैसा रहेगा, अगर उस वक्त देखो कौन सा रहता प्लेटफॉर्म बोल के। सर कर्नाटक मुस्लिम लेजिस्लेचर फोरम की बात होती है मगर वो नहीं, सब नहीं है चल नहीं, नहीं होता है वो, तो क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सर, वो करने वाला कौन जी, कौन है बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा, वो सब होने का नाम है, वो पहले एक माहौल था अच्छा, अब शेख साहब अपना अपना देख, अब इलेक्शन का टाइम है, कौन भी गाली देने तैयार नहीं, सब अपने अपने टिकट नफसे नफसे के आलम में है।